तो मित्रों यार क्या हालचाल आप सभी के। अरे यार हंसते रहा करो, आपको पता होगा कि आजकल के कुछ बच्चे महान हैं और कुछ घमासान हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखो यार इस बच्ची को, मॉडलिंग वगैरह का कुछ फंक्शन हो रहा था तभी यार बच्ची आ गई। देखो देखो कैसे चल कर आ रही है, स्वैग देखो बच्ची का। मित्रों आजकल के बच्चे कुछ ज्यादा ही मॉडर्न हो चुके हैं। देखो देखो क्या कर रही है, और देखो यार पेट निकाल कर कैसे खड़ी हो गई। मित्रों आजकल के बच्चे छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, और देखो देखो कैसे चल रही है। अगर मित्रों आपको भी ऐसा बच्चा, अरे बच्चा छोड़ो यार पहले शादी तो कर लो, बच्चा गया तेल लेने। और यहाँ पर देखो यार मित्रों आठवीं क्लास, दोस्तों आठवीं क्लास में ही इनकी हरकतें देख रहे हो। मुझे तो बच्ची की तरफ देखकर हंसी आ रही है। पीछे देखो पीछे दोस्तों, ये आजकल के बच्चों को आखिर हो क्या गया है। और हमारे देखते ही देखते मित्रों, देखते ही देखते आठवीं क्लास के बच्चे सेटिंग कर बैठे दोस्तों। इनकी क्या करने की उम्र है और ये किधर को जा रहे हैं। बदल रहा है, कभी कभी तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता यार, इतने छोटे छोटे बच्चे इतने बड़े कारनामे आखिर कैसे कर लेते हैं। अब मित्रों यहाँ पर देखो, ये क्लिप मैंने बहुत बहुत पुरानी वीडियो में दिखाई थी, शायद आपने नहीं देखी होगी। दरअसल होता कुछ ऐसा है कि यार बहुत सारी मम्मियाँ बैठ जाती हैं यार मुंह ढक के, तभी बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि मेरी मम्मी इनमें से कौन है। देखो यार कैसे ढूंढ रहा है। पहले तो बच्चा कंफ्यूज हो गया और यार गलत मम्मी के पास चला गया, तभी बच्चा बोलता है कि उतार मुझे नीचे, मुझे अपनी असली मम्मी को ढूंढना है। और बहुत ही मेहनत करने के बाद बच्चे ने आखिरकार अपनी माता को ढूंढ लिया। मित्रों वैसे मित्रों बहुत ही हैरानी की बात है कि यार इतनी सारी माताओं में से बच्चे ने अपनी माता को आखिर ढूंढ ही लिया। मित्रों आगे बढ़ने से पहले यार सब्सक्राइब बटन का उखाड़ फेंको, मुझे ठेका दे दो आपको हंसाने का, बढ़ते हैं आगे। और यहाँ पर देखो मित्रों, इस बंदे के पास एक टांग नहीं थी और तभी वो कहीं जाने लगता है, तभी बच्चा आ गया, बोलता है कि मैं तुम्हारी दूसरी टांग बन जाता हूँ। और देखो यार कैसे सहारा देने लगा। इसे बोलते हैं मित्रों छोटी उम्रों में बड़े बड़े संस्कार, नहीं तो इस उम्र में कुछ निब्बा निब्बी भी बन जाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि यार आपका भी एक ऐसा ही बच्चा हो जाए और आपको सहारा दे दे। और यहाँ पर देखो मित्रों सेब में दांत यानी कि फंस चुके हैं दोस्तों, इस बच्चे के दांत निकल गए और फंस गए सेब में। और बच्चे की तरफ देखो मित्रों कितना खुश नजर आ रहा है। छोटे होने का यही लफड़ा है कि साला दो तीन दिनों बाद कोई ना कोई दांत निकल ही जाता है। और यहाँ पर देखो यार ये बच्चा अपने टीचर जी के साथ व्लॉगिंग करने लगा और तब यार राजनीति की बातें होने लग जाती है। अपने मोहल्ला में विकास हो रहा है, आप लोग देख सकते हो। मैंने सोचा कि इस पे ब्लॉग बनाए तो सर आज फिर मिले। ए, तुम रास्ता पेरा का टोकता हमको, तुम सब टोक रहे, आप सब ब्लॉग बना रहे तो आपसे पूछते विकास हो रहा बहुत। क्या बोला, राजनीति करेगा तुम हमारे साथ सर, राजनीति मारेंगे दाने लाल कर दी सर। क्या करें मित्रों, बच्चे ने कोशिश तो बहुत बढ़िया की लेकिन टीचर जी को कुछ खास पसंद नहीं आया मित्रों। और यहाँ पर देखो मित्रों, नौवीं क्लास के बच्चे स्कूल में शादी करते हुए, अबे ये वो वाला मंदिर नहीं है, ये स्कूल है स्कूल। लेकिन फिर भी यार ये मान नहीं रहे, बोलते हैं कि स्कूल एक मंदिर है और हम लोग मंदिर में शादी कर रहे हैं। और देखते देखते मंगलसूत्र पहना दिया, अरे मंगलसूत्र छोड़ो यार, सिंदूर लेकर आए हैं सिंदूर। और देखो यार क्लासरूम में सिंदूर लगाने लगे। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। पेज पे पेन वाली स्याही से लिखने की उम्र में ये बच्चे पेज में सिंदूर भर भर के ला रहे हैं और क्लासरूम में शादियां कर रहे हैं, और यार बब बच्चे भी हो जाएंगे। ये ले मेरी शादी का कार्ड। ओ शादी कर रही हो, वो भी मेरे बॉयफ्रेंड के। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मुझे लगता है कि यार सरकार सो चुकी है, यानी कि बाल विवाह किए जा रहे हैं कोई स्कूलों में, कोई यार कार्ड दिए जा रहे हैं शादियों के। अभी तो कार्ड लेकर आई है शादी का, कुछ दिनों बाद बच्चा भी लेकर आ जाएगी। मजा आया। तो चलो यार मित्रों आप हंसते रहा करो, मुझे ठेका दे दो आपको हंसाने का, सब्सक्राइब बटन को उखाड़ फेंको, फॉलो कर लो।